हेलो एंड वेलकम एवरीवन। बेसिक मैथ सीरीज में आपका स्वागत है। आज क्लास में भी लेकर आया हूँ समीकरण समस्या संबंधित प्रश्न। इससे पहले वाली क्लास में भी हम लोग कर चुके थे, ठीक है। मतलब जो सवाल जो बचे हुए हैं, कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो शायद आप लोग पहली बार देखे होंगे, या शायद मतलब इस टाइप का सवाल जो न्यू कॉन्सेप्ट होगा, न्यू समझ होगी, इसमें आप लोग उसको देखोगे, समझ में आ जाएगा कि कैसे इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ताकि आपका जो बेसिक मैथ का जो कॉन्सेप्ट हो वो बहुत ईजी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे कि इससे पहले वाली क्लास में हम लोग 1 से लेकर 10 तक कर चुके थे, कंटिन्यू करते हैं क्लास इस क्लास को। क्वेश्चन नंबर 11 से किसी संख्या के 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, मतलब कोई संख्या है उस संख्या का 2/5। अब संख्या के लिए जो मानेंगे उसमें 2/5 गुना करना पड़ेगा, संख्या जो माने हैं उसमें 3/4 गुना करना पड़ेगा। संख्या का 2/5 और 3/4 भाग का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाओ, कितना है 28। तो सवाल है कि वह संख्या क्या होगी, कितना होगा। मान लेते हैं सबसे पहले क्या संख्या को, ठीक है, संख्या को हमने मान लिया ए, ठीक है, ए मान लिया, एक कोई संख्या है। अब सवाल पढ़ो, प्रश्न सवाल के अनुसार प्रश्न से क्या लिखा हुआ, किसी संख्या का 2/5 मतलब ए का 2/5, ठीक, उसी संख्या का 3/4 मतलब ए का 3/4, उन दोनों का अंतर। बहुत इजी सवाल है, संख्या का 2/5, संख्या का 3/4, समझना इजी है, ठीक है, इसको समझ गए। और उन दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 28। बन गया समीकरण, ए का मान निकाल सकते हो आप, ये हो जाएगा क्या 2a/5, ये हो गया 3a/4, ठीक है, बराबर में क्या हो गया 28 हो गया। यहाँ से हम एलसीएम लेते हैं, मतलब इनका घटाव करते हैं, तो 20 हो गया हमारा, 4 5 चौका में 8 बार में 2 2 चौका 8 4 5 5 3 15 बराबर में क्या माइनस, बराबर में 28 प्लस में 28, 4 5 5 3 15, ठीक है। अब सवाल पढ़ते हैं क्या लिख कि 8 में से 15 जाने पर, मतलब 15 में से 8 जाने पर क्या हो गया, यहाँ पे माइनस 15 में से प्लस 8 जाने पर -7 20 बराबर में क्या 28। क्रॉस गुना करेंगे, बट्टे हटाने के लिए क्रॉस गुना करते हैं, तो क्या होगा -7a बराबर में 28 को 20 से गुना करना पड़ेगा, जो कि होगा आपका क्या 560, 58 × 56 = 560। यहाँ से a का मान निकालेंगे, क्या आएगा 560 -7। अब इसको कैंसिल करना, क्या हो गया 7 8 56, माइनस साइन ऊपर गया है तो -80 हो जाएगा, तो वह संख्या क्या होगी 80, माइनस में 80 हो गया, मतलब -80 का 2/5 -80 का 3/4 का अंतर आपका 28 आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा हुआ कि x के किस मान के लिए, किस मान के लिए, ठीक है, x के किस मान के लिए दिए गए आकृति, दिए गए आकृति का परिमाप है 77 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर इस आकृति का, ज्योमेट्रिकल आकृति फिगर दिया हुआ है। इसमें ज्योमेट्रिकल फिगर का जब कभी भी परिमाप निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, जितनी भुजाएं होगी, जितनी उसकी लंबाई होगी भुजा की, सबको जोड़ देंगे, उसका परिमाप दे रखा है कितना 77 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर चारों सभी भुजाओं को, इसमें चूंकि 5 भुजा है, ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे तो उसकी परिमाप कितना है 77 सेंटीमीटर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, x प्लस 1, ये हो गया आपका x प्लस 1, ये हो गया x प्लस 1, ये हो गया x 2x प्लस 1, ये हो गया 2x प्लस 2, और ये है 2x x प्लस 2, और सबको जोड़ने पर क्या आया 77 आया। सबको आपस में जोड़ देंगे, परिमाप क्या होता है सभी भुजाओं का योगफल, ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करना है, समान पदों को जोड़ना है, समीकरण बन जाएगा, यहाँ होगा x प्लस 1 x प्लस 1, 2x प्लस 1, ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 2 x प्लस 2, बराबर में क्या 77 दिया हुआ है। जितने भी x वाले पद हैं उसको एक तरफ करके जोड़ना है, x x, यहाँ x 3x 3 2 5 2 7x हो गया,
जितनी भी संख्या है उसको जोड़कर उस साइड ले जाना है, एक 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 तीन दो पाँच, पाँच दो सात, हो जाएगा माइनस सात एक्स बराबर में हो गया आपका क्या सत्तर। यहाँ से एक्स निकालेंगे सत्तर, एक्स के गुना में सात जो कि बट्टे के नीचे आएगा, क्या हो गया आपका एक्स का मान दस हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13-12 की तरह है। एक्स किस मान के लिए दिए गए आकृति का परिमाप दे रखा है 186 मीटर। ये आकृति जो है इसका नाम हो जाएगा आपका क्या आयत, रेक्टेंगुलर है। ठीक है, आयत हो गया। तो अब क्या होगा कि इसकी परिमिति चारों भुजाओं का योग आयत के लिए क्या होगा, लंबाई लंबाई के बराबर हो जाएगा, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिए गए आकृति का परिमाप है 186। यहाँ फिलहाल हम आकृति मान के सवाल बनाएंगे, मतलब चारों भुजाओं को जोड़कर बनाएंगे। वैसे इसका फॉर्मूला जो परिमाप का होता है वो भी यूज़ करके आप बना सकते हो, या डायरेक्टली चारों भुजा को जोड़ दो, है ना। तो पहली भुजा है लंबाई में 5x प्लस 6 और दूसरी भुजा है 2x प्लस 66, तीसरी भुजा फिर से हो गया 5x प्लस 6, चौथी भुजा 2x प्लस 66 बराबर में टोटल कितना परिमाप दे रखा है 186 दिया हुआ है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करना है, क्या हो गया आपका 5x प्लस 6, 2x प्लस 66, 5x प्लस 6, 2x प्लस 66 बराबर में क्या 186 हो जाएगा। ठीक है, पाँच दो पाँच दो क्या हो गया 10, 4 14x। यहाँ से 186 में से 6 12 66 और 66 क्या हो गया 132 हो गया, है ना। और उसमें 12 जोड़ देंगे, 4 144, 186 में 144 घटाना है उस साइड जाएगा, तो 14x बराबर में हो गया 2 4। यहाँ से x का मान हो गया 42/14 जो कि हो गया आपका कितना x बराबर 3। तो x के 3 मान के लिए इन भुजाओं का, इन आकृति का परिमाप 186 मीटर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ किसी संख्या का 2/3 भाग 96, उसी संख्या का 3/4। पहले हमें संख्या निकालना है फिर उसका 3/4 निकालना है। तो 96 है किसी संख्या का, सपोज मान लो संख्या को x, है ना। हमने संख्या को अगर x मान लेते हैं तो दिए गए संख्या का, ठीक है, दिए गए संख्या का 2/3 भाग अगर 96 है तो उस संख्या का 3/4 क्या होगा। ठीक है, यहाँ से क्रॉस गुना करेंगे 96 × 3 6 × 3 = 18 में आया, 9 × 3 = 27 = 28। हाँ, तो x बराबर 288 में 2, ये हो गया आपका 144 होगा, हाँ 144 होगा। तो दी गई संख्या 144 का 3/4 भाग क्या होगा, तो संख्या का 3/4 भाग, तो संख्या क्या है आपका 144 आया है और उसका 3/4 भाग क्या होगा, तो गुना में 3/4 काटेंगे, 4 × 3 = 12 में 2 × 4 = 24, 36 × 3 = 108। तो उस संख्या का 3/4 कितना होगा 108 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में इजी दिया हुआ है, एक संख्या के 1/2, 1/2, 1/4, 1/8 भागों का योगफल दे रखा है 28। सवाल है कि वह संख्या क्या होगी। ठीक है, मान लिया कि संख्या बराबर y। ठीक है, तो क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है, संख्या का 1/2 भाग उसी संख्या का 1/4 भाग और उसी संख्या का 1/8 भाग, उन सभी का योगफल 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, y/2 यहाँ हो जाएगा, y/4 यहाँ हो जाएगा, y/8 बराबर में 28। सॉल्व करना है उसके बाद, तो 2, 4, 8 एलसीएम बन जाएगा, 8 होगा एलसीएम, 4 × 4y, ये हो गया 2, 2y, 1y बराबर में क्या 28। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 4, 2, 6 = 7y। ठीक है,
सात बाई बट्टे में आठ बराबर में क्या 28, क्रॉस गुना करना, ठीक है, क्योंकि इसके नीचे एक छुपा हुआ तो क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा, सात वाई गुने एक बराबर में 28 गुने 8, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y के गुना में 7 जो कि नीचे आएगा, 28 गुने 8 हो जाएगा आपका, ठीक है, 28 गुने 8, 7 चार बार में 7 चौका 28, 4 अट्ठे क्या हो गया आपका कितना 32, मतलब है कि 32 ऐसी संख्या है जिसका 1/2, 32 का ही 1/4, 32 का ही 1/8, अगर भाग को जोड़ देंगे 28 आएगा, ठीक है, जैसे 32 का 1/2 कितना होता है 16, 32 का 1/4 कितना होता है 8, 32 का 1/4 कितना होता है 1/8 कितना होता है 4, 16, 8 और 4 कितना होगा 16, 8, 24, 28 हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 16 में, किसी संख्या का 7/8 और उसके दो गुने के बीच का अंतर जो है वो 72 का अंतर है, तो वह संख्या क्या होगी। अगर संख्या को y मान लेते हैं तो y का 7/8 भाग और उसके दुगुना, तो y का दुगुना 2y, y में दो गुना करेंगे, y का 7/8 गुना, y का दो गुना, उसके बीच का अंतर कितना है 72 का है, तो सवाल है कि उस संख्या क्या होगी, y का मान क्या होगा। यहाँ सॉल्व करेंगे क्या होगा, 7y/8 यहाँ हो जाएगा 2y बराबर में क्या 72, यहाँ से हम कॉमन लेंगे, एलसीएम लेंगे, 7y-8 × 16y बराबर में क्या हो गया 72। अब देखो 16 में 7 गया तो -9, y/8 बराबर में क्या 72, क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा -9y 8 × 72, ठीक है, यहाँ से y का मान निकालेंगे तो y हो जाएगा आपका कितना 8 × 72 और बट्टे में क्या -9 हो जाएगा, ठीक है, 72 9 से 8 बार में कैंसिल तो y बराबर हो जाएगा 8×64 प्लस यहाँ माइनस तो माइनस, तो वह संख्या क्या हो गया -64 जिसका 7/8 जिसका दो गुने के बीच का अंतर क्या है 72 होगा, ठीक है।